सत्र छः, क्षेत्र दो, बच्चे के साथ माँ का रिश्ता। अब हम अगले चरण पर बात करेंगे जो माँ के बच्चे के साथ उनके रिश्ते पर आधारित है। हम उन्हीं तीन चरणों को ध्यान में रखते हुए ये सीखेंगे कि माँ अपने बच्चे के साथ अच्छा संबंध कैसे बनाए रख सकती है। इस दौरान माँ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सत्र छः बच्चे के जन्म के बाद 2 महीने पर केंद्रित है। अरे 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 वाह, ये तो बहुत खुश है और सेहत भी ठीक लग रही है इसकी। हाँ दीदी। और तुम बताओ साची, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, पहले से बेहतर। तो वो तो याद है ना, जो पिछली बार मिले थे तब हमने बातें की थी। हाँ दीदी, बिल्कुल याद है। हमने खुश गतिविधि के बारे में बातें की थी, नियमित तौर पे व्यायाम करने के बारे में बातें की थी, है ना, और मूड चार्ट, मूड रेटिंग स्केल पे भी बात की थी। हाँ दीदी, है ना। तो ये बताओ, आप वो सब अभ्यास कर पाई है कि नहीं? हाँ दीदी, मैंने कोशिश की, काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब हुई। मैं अच्छी तरह से कर पा रही हूँ अब उसे। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में थोड़ा सा मैंने उसे अपना लिया, अच्छी तरह से अपने आज रोज़ दिनचर्या में मैंने उसे शामिल किया है। थोड़ा 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 समय निकाल कर मैं उसे शुरू कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपने तनाव को भी समझ पाई, उसे कम कर पाई, और आपने जो मुझे गतिविधियाँ सिखाई थी उसके द्वारा मैं खुश भी रह पा रही हूँ दीदी। और उसका असर दिखाई दे रहा है। हाँ जी दीदी, है ना, आप में भी और आपके बच्चे में भी। जी दीदी। ठीक है साची, अभी एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए, ये तो मूड रेटिंग स्केल आप जानते ही हैं। जी दीदी। तो आप मुझे अभी ये बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? इन 5 तस्वीरों में से आप कौन सी तस्वीर के करीब महसूस करती हैं? मैं भी दीदी इस दूसरे नंबर की तस्वीर जिसमें खुशहाल माँ दिख रही है उसमें वो महसूस कर रही हूँ इस वक्त दीदी मैं। तो मतलब अभी आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जी दीदी। और ज़ाहिर तौर पर ये जो व्यायाम किया है और आपने अपना जो गतिविधियाँ की हैं जो आपको खुश रखती हैं जी, उन सब का असर है। हाँ दीदी बिल्कुल। साची जी, ये तस्वीर गौर से देखो और बताओ कि इसमें क्या चल रहा है? दीदी इसमें तो माँ तनाव में लग रही है, अपने बच्चे के साथ कमरे में अकेली है, लेकिन काफ़ी तनाव में लग रही है, कुछ सोच रही है। जी तो आप ये बता सकती हैं कि माँ तनाव में क्यों है? दीदी तनाव के तो बहुत कारण होते हैं, उनके घर में कुछ हुआ होगा इसलिए शायद वो उसकी वजह से हुई होंगी तनाव में। अच्छा साची, आप ये बताइए कि आपको भी अपने आप को स्थिति में पाती हैं? दीदी मैं तनाव तो खैर मुझे कई बार हुआ है, और जैसे मैंने पहले भी आपसे साझा किया था उन बातों को, पर जब ये हुई थी उस दरमियान पहले महीने में मुझे पता नहीं चल रहा था कि कैसे उसको दूध पिलाना है, और वो भी नहीं समझ पा रही थी कि उसको कैसे पीना है, और इस बारे में मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो क्या हो रहा था, वो भूखी रह जा रही थी, तो इसलिए वो ना रो रही थी सुबह दोपहर शाम, रात में भी उसकी नींद नहीं हो पाती थी, उसकी वजह से मेरी भी नींद नहीं हो पाती थी दीदी, इसलिए उस वक्त में बहुत ज़्यादा तनाव में थे। बिल्कुल साची, असल में आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आप समझ पा रही हैं यहाँ पे माँ भी इसीलिए तनाव में है क्योंकि वो अपने बच्चे के भूख को नहीं समझ पा रही है। दूसरी बात ये है कि बच्चा जब दूध पीता है तो बहुत बार बहुत तरह से वो माँ को परेशान भी करने लगता है, तो माँ को ये समझने में समय लगता है कि कैसे वो बच्चे को दूध पिलाए, कौन सा ठीक तरीका है बच्चे को दूध पिलाने का, और किस वक्त में पिलाना है, बच्चे को भूख लगी है कि नहीं लगी है, ये सब बातें समझने में माँ को समय लगता है। तो शायद वो समय आपको भी लगा है ना? जी दीदी बिल्कुल सही हाँ। बोल रहे हैं आप। तो पर अब धीरे धीरे शायद आप इससे निकल भी पाई होंगी। जी जी दीदी। अच्छा साची, अभी ये तस्वीर देखो और बताओ कि इस तस्वीर में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं। जी जी है जी दीदी, पहली तस्वीर में है कि माँ तो तनाव में नज़र आ रही है, और गर्भावस्था के समय भी वो तनाव में थी, और पूरा समय तनाव में रहती है अपने बच्चे के होने के बाद में भी। और दूसरी तस्वीर में है कि वो माँ क्योंकि यहाँ तनाव में वो सोच रही है बस उन सब चीज़ों के बारे में,
तो खुद का, बच्चे का और घर की चीज़ों का वो ख्याल नहीं रख पा रही, घर के कामकाज का किसी प्रकार से वो ध्यान नहीं रख पा रही है, और इन्हीं सब के चलते वो काफ़ी तनाव में है। तीसरी तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है। जी हाँ, असल में जब माँ को बच्चा आता है माँ के जीवन में, तो उस समय में माँ को भी ये समझने में वक्त लगता है कितना समय कैसे बच्चे के साथ बिताए, क्या कितना समय वो घर के दूसरे कामकाज में बिता सकती हैं, वो क्या करते करें, वो कैसे अपने हर चीज़ को सही से कर रख सकती हैं। तो यही स्थिति यहाँ पे माँ के साथ हो रही है। माँ को अपने समय को व्यवस्थित करने में भी वक्त लग रहा है, और फिर बच्चे को संभालने में भी समय लग रहा है, और ये सब चीज़ों के चलते बच्चा भी परेशान है, क्योंकि माँ बच्चे को पूरा पूरा ठीक ठीक समय नहीं दे पा रही है, और माँ भी परेशान जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस सबका जो असर यही पड़ता है, परिणाम यही होता है कि माँ और ज़्यादा तनाव में आ जाती है। तो मतलब आपका तनाव बढ़ता चला जाता है, आप तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी वो बढ़ रहा है जी दीदी, है ना। तो यहाँ पे वही स्थिति दिखाई दे रही है जी। तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। भी अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाया ही हो? हाँ दीदी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये उस वक्त मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको कैसे दूध पिलाऊं, कैसे, ये भी चिड़चिड़ी हो रही थी, उसकी वजह से मैं भी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो उस लेकिन उन सब चीज़ों से मैं अपने आप को उबार पाई सिर्फ और सिर्फ आपके बात करने की वजह से। आपने जो अब तक मुझे अलग अलग समय में बताया है, फिर उस दौरान मुझे उस सूची ने भी बहुत मदद की दीदी, जो आपने मुझे पहले बताई थी कि आप नाम लिखिए अपने आसपास के लोगों के। तो मैंने आपसे भी बात की थी उस दरमियान, और उसी दौरान मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है। तो फिर उन्होंने भी मुझे समझाया, उन्होंने भी बताया, फिर आसपास के लोगों ने भी, घर वालों से भी मैंने मदद मांगी थी। तो उसके चलते मैं अपने आप को उस स्थिति से, उस तनाव से निकालने में दीदी कामयाब हो पाई जी। तो आपको ऐसी चीज़ें पता थी और आपने उन सबको अमल में भी लेकर आई, तो उससे ये हुआ कि आप अपनी उस स्थिति से बाहर निकल पाए। हाँ जी दीदी। तो उस स्थिति से बाहर निकल कर आपको कैसा लगा साची? दीदी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तनाव से बाहर थी, पहले ग्रस्त थी फिर बाद में तनाव से बाहर थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वो दरमियान।